सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज जेराड एंड यू आर वॉचिंग जेराड गोम्स। टुडे द कार दैट आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी इज द 2022 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। और ये जो वेरिएंट है गाइज, दिस इज द डेल्टा वेरिएंट एंड दिस ओनली कम्स इन द 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड इंजन। ये आपका डेल्टा वेरिएंट में आपको वो ECVT मतलब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको नहीं मिलेगा, यू गेट द नॉर्मल हाइब्रिड जो मारुति बोलते हैं। सो टुडे आई हैव कम टू मारुति सुजुकी नेक्सा साइंस सिटी विच इज लोकेटेड राइट बिसाइड द एटमोस्फियर बिल्डिंग। So if you are in Kolkata and if you want to check out any of your favorite Nexa cars from Maruti Suzuki, then you can definitely come to this showroom. And another thing guys, a code will come on your screen right now. So if you use this code and you refer it to the showroom over here, then you will get the best of benefits not only on the Grand Vitara but on any other car that you purchase from this showroom, be it the CIS, Ignis or any other car, be it the Baleno also. So do refer this code at the showroom if you are coming to this showroom to choose any of your favorite Maruti Suzuki cars. So इस गाड़ी का मैं आज पूरा आपको एक रिव्यू दे दूंगा, इसके एक्सटीरियर इंटीरियर और फीचर्स क्या क्या आपको इस डेल्टा वेरिएंट में मिल जाते हैं उसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। सो सामने एज यू ऑल नो ग्रैंड विटारा इज बेस्ड ऑन द टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। सो बहुत कुछ डिजाइन एलिमेंट सेम है बट फ्रंट में ऑब्वियसली चेंजेस बहुत कुछ है। सो एट द फ्रंट यू गेट दिस क्रोम फिनिश ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द बम्पर। सो यहाँ पर आपको पूरा क्रोम फिनिश मिलता है विद द सुजुकी लोगो ओवर हियर। इस मॉडल में ऑब्वियसली आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा। नीचे आप देख सकते हो यू गेट अ स्प्लिटर टाइप डिजाइन फिनिश्ड इन दिस मैट सिल्वर फिनिश। ये अपर मॉडल्स में आपको ग्लॉस सिल्वर फिनिश में मिलता है बट यहाँ पर आपको ये मैट फिनिश में मिलता है। इवन द साइड्स ऑल्सो यहाँ पर आपको ये मैट बॉडी क्लैडिंग फिनिश हुआ मिलेगा। नॉर्मली अपर मॉडल्स में आपका ग्लॉसी फिनिश में होता है। सो यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका LED DRL विच ऑल्सो वर्क्स एज द टर्न इंडिकेटर। एज यू कैन सी ओवर हियर फुल LED है। नीचे आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है विच इज फिनिश्ड इन दिस मैट ब्लैक सराउंड्स। और ये आपका हैलोजन फिनिश में है गाइस, ये आपका LED नहीं है। अपर मॉडल में आपको LED मिलेगा, ये आपका हैलोजन है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको कोई फॉग लाइट नहीं मिलेगा बट मारुति सेज दैट द हेडलाइट्स आर मोर देन एडिक्वेट फॉर योर रोड्स। यहाँ पर आपको ग्रिल जो फिनिश मिलता है ये आपका ग्लॉस ब्लैक में है। थैंक गॉड कि ये आपका मैट में नहीं है। ग्लॉस गिव्स इट अ गुड प्रीमियम लुक एट द फ्रंट। साइड में अगर हम लोग चले जाए गाइस, साइड में यू गेट वेरी मिनिमल व्हील क्लैडिंग, सो दैट इज प्रीटी गुड क्योंकि जो व्हील्स है वो ज़्यादा छोटा नहीं लगता है अगर व्हील क्लैडिंग बहुत बड़ा होता है तो। सो यहाँ पर आपका व्हील कैप्स आता है, व्हील कैप्स अभी नहीं है गाड़ी पे। सो यहाँ पर आपको एलॉय फिनिश नहीं मिलेगा बट व्हील का जो प्रोफाइल है वो सेम है। तो यहाँ पर आपको 215/60R17 का आपको टायर मिलता है। सो 17-inch टायर्स आपका एकदम टॉप मॉडल में भी है। सो डेल्टा वेरिएंट में भी आपको 17-inch ही मिलता है। सस्पेंशन ट्रेवल इज मोर देन एडिक्वेट फॉर इंडियन रोड्स, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ORVM जो है वो आपका बॉडी कलर में फिनिश हुआ है विद LED टर्न इंडिकेटर्स। इवन ऑन द डोर्स ऑल्सो ये आपका बॉडी कलर में है एंड यू गेट रिक्वेस्ट सेंसर ऑल्सो, दैट इज अ गुड थिंग कि रिक्वेस्ट सेंसर आपको बाएं तरफ भी मिल रहा है। गाड़ी का जो बेल्ट लाइन है ये आपका मैट ये रबर फिनिश में फिनिश हुआ है, ये आपका क्रोम नहीं है। और गाड़ी का जो बी पिलर है दैट इज फिनिश्ड इन मैट ब्लैक। पीछे आपको यहाँ पर सी पिलर में यू गेट दिस सिल्वर फिनिश ओवर हियर। अपर मॉडल्स में जो अल्फा प्लस वेरिएंट है उसमें आपको यहाँ पर क्रोम फिनिश मिलता है बट यहाँ पर आपको नॉर्मल सिल्वर फिनिश मिलेगा। पीछे की तरह अगर हम लोग चले जाए गाइस, पीछे यहाँ पर इज वेयर द ग्रैंड विटारा इज लुक्स द बेस्ट। पीछे यू गेट दिस पोर्शे इंस्पायर्ड LED पार्किंग लाइट, ये आपका ब्रेक लाइट भी है। सो यू गेट दिस दिस कनेक्टिंग LED स्ट्रिप एट द बैक, सो लुक्स रियली रियली गुड। यहाँ पर आपका ग्रैंड विटारा का बैजिंग आपको मिलता है, सुजुकी का लोगो है एंड यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट मिलता है फॉर द टर्न इंडिकेटर्स एंड द रिवर्स लाइट। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर मिलता है एंड एज यू कैन सी ये आपका हैलोजन फिनिश में है। चार पार्किंग सेंसर आपको मिलता है, दो यहाँ पर मिलेगा और दो उस साइड है। और नीचे का जो रियर पार्ट ऑफ द बम्पर है मतलब लोअर पार्ट ऑफ द रियर बम्पर है ये आपका मैट ग्रे में फिनिश हुआ है, ये आपका नॉर्मल मतलब वो सिल्की फिनिश में नहीं है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिल जाता है, सो दैट इज प्रीटी नाइस। कोई वाइपर आपको नहीं मिलता है एट द बैक बट यू गेट अ डिफॉगर एंड अ हाई माउंट स्टॉप लैम्प। आपको एक शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। इस वेरिएंट में ऑब्वियसली आपको सनरूफ नहीं मिलेगा। अभी बूट स्पेस चेक करते हैं गाइस, सो यू जस्ट प्रेस दिस बटन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर है। सो एज यू कैन सी गाड़ी का व्हील कैप्स यहाँ पर है। सो ओवरऑल बूट स्पेस इफ आई टॉक अबाउट, बूट स्पेस इज प्रीटी स्क्वेरिश। सो आप देख सकते हो बहुत ही स्क्वेरिश बूट है। और यहाँ पर आपका दो बैग्स, आप आराम से बड़ा बैग्स आप फिट कर सकते हो, छोटा बैग्स ऑब्वियसली आपका फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा उसमें। यहाँ पर आपको पॉकेट्स मिल जाता है एज यू कैन सी ओवर हियर। हुक आपको मिलता है यहाँ पर, यू गेट अ बूट लैम्प ऑल्सो, सो दैट्स प्रीटी गुड। अनदर कन्वीनियंट फीचर इज दैट यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है अगर आप पीछे यहाँ पर वैक्यूम करते हो तो। यहाँ पर भी आपको एक पॉकेट मिल जाता है। सो ओवरऑल बूट इज प्रीटी प्रैक्टिकल, 60-40 स्प्लिट मिल जाता है, सो वेरी वेरी प्रैक्टिकल एट द बूट।
यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। सो स्पेयर व्हील ऑब्वियसली आपको एलॉय नहीं मिलेगा, ये आपका नॉर्मल मतलब स्टील फिनिश में है। सो अभी बूट बंद करते हैं गाइज एंड लेट मी गो टू द रियर सीट। सो इफ आई ओपन द रियर डोर गाइज, सो यहाँ पर यू गेट फैब्रिक फिनिश ऑन द डोर। सो यहाँ पर आपको वो लेदर फिनिश ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको ये मैट फिनिश मिलता है विद द पावर विंडो स्विच ओवर हियर। डोर हैंडल्स जो है वो आपका क्रोम फिनिश में है, यहाँ पर आपको ये सिल्वर सराउंड मिलता है, यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर मिलता है, यू कैन कीप योर फोन या स्पीकर प्लेसमेंट ओवर हियर, और यहाँ पर आपको ये मरून फिनिश मिल जाता है। सीट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइज, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस वेरियंट इज दैट पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है एंड तीनों हेडरेस्ट आपको मिलता है इवन फॉर द मिडिल पैसेंजर। और इसका जो सीट है ये आपका फैब्रिक फिनिश में है और यहाँ पर आपको ये टेक्सचर्ड फिनिश मिलता है विच इज़ फिनिश्ड इन मरून कलर एंड दिस इज लाइक ये थोड़ा वेलवेट टेक्सचर है, सो फील्स रियली रियली गुड टू टच। एंड यहाँ पर आपको ये ब्लैक फिनिश मिल जाता है, सीट बेल्ट आपको मिलता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स आपको मिल जाता है। सो नाउ लेट्स जस्ट सिट इनसाइड। सो लेट मी क्लोज द डोर। सो द डोर्स क्लोज विद अ प्रॉपर थर्ड। सो द फ्रंट सीट्स आर पुश्ड फ्रंट, मतलब ज़्यादा पीछे नहीं है, मिडिल पोजीशन आप पकड़िए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना लेग रूम मुझे मिल रहा है, सीट बैक पॉकेट सबको मिलता है और अंडर थाई सपोर्ट इज वेरी वेरी गुड, अंडर थाई सपोर्ट इज मोर देन एडिक्वेट फॉर मी एज यू कैन सी, नो प्रॉब्लम एट ऑल फ्रॉम माई साइड। यहाँ पर अगर सेंटर कॉन्सोल अगर हम लोग देखेंगे, दिस इज वेयर प्रैक्टिकलिटी मैटर्स अ लॉट। सो यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका एसी वेंट्स विद अ ब्लोअर कंट्रोल एंड द अदर बेस्ट थिंग इज दैट यहाँ पर आपको दो चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाता है, वन इज योर यूएसबी टाइप ए एंड द अदर वन इज योर यूएसबी टाइप सी। सो ये तो आपका टॉप मॉडल जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी है उसमें भी आपको ये मिलता है, डेल्टा में भी है। सो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी वाइज दिस इज रियली रियली नाइस। यहाँ पर नीचे आपको एक शेल्फ मिल जाता है टू कीप योर फोन और योर वॉलेट। सीट का विथ इज मोर देन इनफ फॉर टू पीपल, अगर आप पतले हो देन तीन लोग का आराम से बैठ सकते हो एंड इफ यू आर थोड़ा मतलब हेफ्टी हो देन दो लोग बैठ सकते हो आराम से, तीन लोगों का थोड़ा स्क्वीज होगा। यहाँ पर आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है विच यू कैन सी ओवर हियर, एक मिनट, यू गेट डुअल कप होल्डर्स ओवर हियर, सो दिस इज ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल। एंड यहाँ पर आपको मिडिल पैसेंजर्स के लिए भी आपको यहाँ पर ये सीट बेल्ट मिल जाता है जो कि आपका यहाँ से आता है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी प्रैक्टिकल फ्रॉम द सेफ्टी फ्रंट। सो अगर हेडरूम के बारे में अगर बात करूँ गाइज, सो हेडरूम एज यू कैन सी यहाँ पर आपका सनरूफ नहीं है, सो ये ज़्यादा नीचे नहीं प्रोट्रूड होता है। सो एज यू कैन सी हेडरूम इज मोर देन एडिक्वेट, आपका चार उंगली तक जगह आपको मिल जाएगा, सो वेरी वेरी प्रैक्टिकल ऑन दैट फ्रंट एंड वेरी स्पेशियस ऑल्सो। मुझे ज़्यादा मतलब ग्रैंड विटारा अंदर से उतना बड़ा नहीं लगता है बट इट्स वेरी स्पेशियस एंड वेरी वेरी प्रैक्टिकल, सो रियली रियली गुड ऑन दैट एस्पेक्ट। यहाँ पर आपको एक कैबिन लैंप मिल जाता है जो कि आपका हैलोजन फिनिश में है, यू गेट अ डोर हैंडल ओवर हियर विथ अ हुक, वहाँ पर भी आपको डोर हैंडल मिलता है अलॉन्ग विथ अ कैबिन लैम्प ओवर देयर, सामने भी आपको डोर हैंडल मिल जाता है, सामने वहाँ पर आपको कैबिन लैम्प मिलता है। सो दिस इज द फ्रंट लुक गाइस, सो अभी सामने चलते हैं और मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या आपको सामने मिल जाता है। सो बिफोर ओपनिंग द फ्रंट डोर आई वॉन्ट टू शो यू, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, यहाँ पर भी जस्ट लाइक द रियर डोर यू गेट दिस मरून फिनिश ओवर हियर एंड यू गेट फैब्रिक फिनिश ओवर हियर। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक बॉटल होल्डर अलॉन्ग विद अ स्पेस टू कीप योर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका पावर विंडो का स्विच, यहाँ पर आपका विंडो लॉक स्विच, दिस इज योर सेंट्रल लॉकिंग, दिस इज टू ओपन और क्लोज योर ORVMs एंड यह आपका मिरर जो है वो एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पर आपको स्पीकर का प्लेसमेंट मिल जाता है। सीट्स के बारे में अगर बात करूँ, दिस इज ऑल्सो फिनिश्ड इन द सेम डिज़ाइन एज द रियर सीट्स, सो यहाँ पर आपको वो वेलवेट मरून टेक्सचर मिलता है और यहाँ पर आपको ये ब्लैक फैब्रिक फिनिश मिलता है। यहाँ पर आपका साइड बोलस्टरिंग इज रियली रियली गुड गाइस, सो आपका सीट एकदम हक करके रखेगा और ये सीट्स आप देखेंगे अगर एकदम सोफा टाइप सीट्स है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलता है। यहाँ पर आपको थोड़ा बटन्स मिल जाता है, दिस इज योर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन विच इज सराउंडेड इन दिस क्रोम फिनिश। यहाँ पर आपका हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस है, नीचे आपका ये बूट ओपन करने के लिए मतलब बॉनेट ओपन करने के लिए एंड दिस इज टू ओपन योर फ्यूल लिड। ये मैनुअल वेरिएंट है गाइस, सो यू गेट ऑल द थ्री पेडल्स अलॉन्ग विद अ डेडिकेटेड डेट पेडल। सो नाउ लेट्स जस्ट सीट इनसाइड, सीट थोड़ा पीछे ढकेल देते हैं। सो द डोर्स ऑल्सो क्लोज विद अ प्रॉपर थर्ड। सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग द कार गाइज आई वॉन्ट टू शो यू द की, सो दिस इज द की दैट यू गेट, लाइक आई वॉन्ट टू टेल मारुति दैट प्लीज चेंज द की मारुति प्लीज, दिस इज अ वेरी चीप फीलिंग की टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर मतलब बलेनो में भी सेम की मिलता है, इग्निस में भी सेम की है, इवन ऑन द स्विफ्ट ऑल्सो की सेम है, सो गाड़ी थोड़ा मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद द की, इवन हुंडई ऑल्सो डज इट। सो यहाँ पर सिर्फ दो बटन आपको मिलता है टू लॉक एंड अनलॉक योर कार। सो ये गाड़ी आपका मैनुअल है, सो ऑब्वियसली आप इसको न्यूट्रल में रखिए। यहाँ पर अभी सब गाड़ी में अभी क्लच लॉक हो गया है, सो यू प्रेस द क्लच एंड यू प्रेस द इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, सो गाड़ी अभी स्टार्ट हो गया है।
नाउ इफ आई टॉक अबाउट दी ओवरऑल, मतलब अभी जो कैबिन का जो इंसुलेशन है, रियली रियली नाइस. मारुति ऑलवेज मेक्स वन ऑफ द स्मूदेस्ट इंजिन्स एंड मोस्ट रिफाइंड इंजिन्स, सो उसका आपको कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाला है. सो ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट दी ओवरऑल इंसुलेशन लेवल्स, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. सो अभी बात करते हैं गाइज माय फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट द डैशबोर्ड. सो डैशबोर्ड इज, मतलब ये आपका हार्ड टच है गाइज, सो ऑब्वियसली सॉफ्ट टच आपको नहीं मिलेगा. इवन ऑन द टॉप मॉडल्स आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता है. जो डिफरेंस जो है टॉप मॉडल से वो है कि यहाँ पर आपको कोई सॉफ्ट टच यहाँ पर भी आपको नहीं मिलता है. ऊपर वाले मॉडल्स में आपको डोर्स की तरह यहाँ पर भी आपको वो सॉफ्ट टच मिलता है, बट यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा. ये आपका वो प्लेन मरून फिनिश में है. ग्लव बॉक्स अगर चेक करूँ गाइस, ग्लव बॉक्स इज मोर देन एडिक्वेट. यहाँ पर आपका बॉटल, छोटा एक बॉटल फिट हो जाएगा, कार डॉक्यूमेंट्स आराम से फिट हो जाएगा. कोई कूलिंग फंक्शन और लाइट आपको नहीं मिलता है. यहाँ पर आपको मिल जाता है टच स्क्रीन सिस्टम, सो इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ. यहाँ पर यू गेट योर हैजर्ड लाइट स्विच. यहाँ पर एसी वेंट्स आपको मिलता है विद दिस सिल्वर एक्सेंट ओवर हियर. और बाहर जो है यहाँ पर ये आपका मैट ब्लैक में मिलता है, नॉट ऑन ग्लॉस ब्लैक. यहाँ पर आपको ऑटो एसी मिल जाता है, सो दैट्स अनदर गुड प्रैक्टिकल फीचर. सो दिस इज योर ब्लोअर कंट्रोल, ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए. दिस इज योर एयर सर्कुलेशन बटन, ये एसी ऑन करने के लिए. दिस इज टू स्विच ऑफ योर एसी, ये आपका ऑटो एसी ऑन करने के लिए. दिस इज योर फ्रंट डिफॉगर, ईयर डिफॉगर, और ये आप कहाँ पर एयर भेजना चाहते हैं उसका स्विच है. सो दिस इज योर ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम बटन, उसको ऑन या ऑफ करने के लिए. दिस इज योर ट्रैक्शन कंट्रोल बटन. ओवर हियर यू गेट अ 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट, USB टाइप ए पोर्ट आपको मिलता है. यहाँ पर आपको कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगा, बट यू गेट अ स्पेस ओवर हियर टू कीप योर फोन. आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, रिवर्स गियर का. पार्किंग कैमरा मैं आपको दिखा देता हूँ. सो दिस इज योर पार्किंग कैमरा. एडेप्टिव गाइडलाइंस आपको नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली, सो दैट्स अ सोर पॉइंट कि आपको एडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं मिलेगा. सो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक जगह टू कीप योर की, ट्विन बॉटल होल्डर्स ओवर हियर. यू गेट अ मैनुअल हैंड ब्रेक. अनदर गुड थिंग इज दैट यू गेट एन आर्मरेस्ट, सो दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड. सो आर्मरेस्ट आपका एडजस्टेबल मिलता है, और यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है टू कीप योर फोन और योर वॉलेट, एनीथिंग यू वॉन्ट. ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका मैनुअल IRVM, ऑटो डिमिंग नहीं है. यू गेट अ रीडिंग लैम्प विच इज फिनिश्ड इन हैलोजन. ब्लूटूथ माइक्रोफोन का रिसीवर है. यहाँ पर यू गेट अ मिरर नो लाइट, और यहाँ पर यू गेट अ मिरर नो लाइट. सो लाइट नहीं है, ठीक है, बट मिरर दोनों साइड में है, सो दैट्स गुड. ऑब्वियसली सनरूफ आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा. सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम. सो दिस इज नॉट द स्मार्ट प्ले स्टूडियो विच इज देयर इन द लोअर मॉडल्स ऑफ द ब्रेजा और इवन अदर मारुति कार्स. दिस इज द स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम. ये प्रो प्लस नहीं है, दिस इज द प्रो सिस्टम. सो दिस इज ऑल्सो रियली रियली गुड टू ऑपरेट गाइज. यहाँ पर आपको मास्टर कंट्रोल्स मिल जाता है ऑन बोथ द साइड्स, एंड ओवरऑल क्वालिटी टच लेवल्स आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. आई ऑलवेज से मारुति एंड हुंडई मेक्स वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स व्हेन इट कम्स टू द इंफोटेनमेंट सिस्टम. सो ओवरऑल गाइज रियली रियली नाइस. सो कनेक्टेड कार्टेक भी आपको मिल जाता है अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ फंक्शंस विच यू कैन ऑपरेट फ्रॉम योर फोन. एंड यहाँ पर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलेगा. यू कैन कनेक्ट योर फोन ऑल्सो. सो या रियली रियली गुड. आई हैव नो कंप्लेंट्स व्हेन इट कम्स टू द इंफोटेनमेंट सिस्टम. मारुति ऑलवेज डज अ वेरी गुड जॉब. सो इफ आई टॉक अबाउट द स्टीयरिंग राइट नाउ, सो द स्टीयरिंग इज आपका नॉर्मल है. यहाँ पर कोई लेदर फिनिश आपको नहीं मिलता है, बट यू गेट अ सिल्वर एक्सेंट ओवर हियर. ये आपका मेटल है शायद, हाँ ये आपका मतलब मेटल नहीं है, बट थोड़ा वो मेटल मेटल फील आपको देगा. यहाँ पर यू गेट दिस नाइस टेक्सचर एज यू कैन सी ओवर हियर. एंड यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाता है. दीज आर द बटन्स टू कंट्रोल योर इंफोटेनमेंट सिस्टम ओवर हियर. और यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है इस वेरिएंट में. सो क्रूज कंट्रोल का बटन आपको यहाँ पर मिलता है. और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में अगर बात करूँ गाइस, देन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका एनालॉग फिनिश में है. बाएं तरफ आपका टैको है, दाएं तरफ आपका स्पीडो है. और यहाँ पर आपको एक छोटा सा MID मिल जाता है. योर टेम्परेचर लेवल इज ओवर हियर एंड योर फ्यूल लेवल इज ओवर हियर. सो यहाँ पर MID में यहाँ पर टाइम दिखा रहा है. दिस इज योर आउटसाइड टेम्परेचर और ये आपका ओडो रीडिंग है. सो ये जो है गाइस, ये आप इस बटन के साथ कंट्रोल कर सकते हो ओवर हियर. सो यहाँ पर अभी जो दिखा रहा है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, और ये आपका मीटर में आपको दिखाता है आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी. यहाँ पर आपका गाड़ी का रेंज दिखा रहा है. इफ आई प्रेस दिस अगेन, सो यहाँ पर आपको दिखा रहा है किलोमीटर पर लीटर रियल टाइम में इन ग्राफ. इफ आई प्रेस दिस अगेन, दिस इज योर ड्राइविंग टाइम, दिस इज योर टोटल आइडल स्टॉप टाइम, और कितना फ्यूल आपने सेव किया फ्रॉम द सिस्टम. ये आपका टाइम और डेट. दिस इज योर जीफोर्स मीटर, ऑब्वियसली सब इस सिस्टम को जानते हैं. दिस इज योर पावर एंड टॉर्क. दिस इज द एक्सेलरेशन एंड ब्रेक, रियल टाइम में दिखाता है इन ग्राफ. ये आपका इंजन, मोटर और बैटरी. सो बैटरी आपका कितना पावर दे रहा है इंजन को, दिस इज दैट व्हेन यू ड्राइव, ये आपको पता चलेगा. और ये आपका ब्लैंक स्क्रीन है. सो दिस इज द मेन इन्फॉर्मेशन दैट यू गेट. ओवरऑल आई हैव नो कंप्लेंट्स विद दिस
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मुझे ज्यादातर एनालॉग पसंद है, बट जिन लोगों को पसंद नहीं होता है आई विल टेल यू दैट आप ज्यादा इससे मतलब डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपको इस सिस्टम में आराम से मिल जाता है, सो उसका कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। सो अभी बात करते हैं गाइस सीट कंफर्ट के बारे में। सो सीट्स आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, आई हैव नो कंप्लेंट्स। मैं जब भी कोई मारुति गाड़ी का रिव्यू करता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीट्स का मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं होता है, दे ऑलवेज केटर टू द नीड्स ऑफ द इंडियन कस्टमर, सो सीट्स आर ऑलवेज कंफर्टेबल। यहाँ पर साइड बोलस्टरिंग इज ऑल्सो रियली रियली गुड, कॉर्नर लेंगेज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सीट्स आपको एकदम हक करके रखेगा। इवन विजिबिलिटी ऑल्सो ब्रिलियंट फ्रॉम द मिरर्स, कोई आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये मिरर्स छोटा है एंड द ग्रैंड विटारा इज अ बिग कार, बट ऑनेस्टली गाइस आप अगर मिरर एडजस्ट करेंगे, सीट पोजिशन एडजस्ट करेंगे, तो आपको इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। इवन द विजिबिलिटी एट द बैक ऑल्सो इज रियली गुड, आप देख सकते हो पीछे का जो मिरर है दैट इज प्रीटी बिग, सो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक प्रॉब्लम आपका हो सकता है अगर बीच में कोई पैसेंजर बैठा है एंड द हेड रेस्ट इज अप, देन आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उस साइड का भी विजिबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम। अनदर गुड थिंग इज दैट अगर आप नया नया आप गाड़ी खरीद रहे हो, नया नया आपने ड्राइविंग सीखा है, देन आपको बॉनेट आपको आराम से दिखता है। सो दिस इज माई ड्राइविंग हाइट, सो बॉनेट इज मोर देन विजिबल टू मी, मुझे कॉर्नर्स जज करने में इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो गाइज दैट वॉज माई इंटीरियर रिव्यू ऑफ द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा डेल्टा वेरियंट। सो अगर आपको ये इंटीरियर रिव्यू अच्छा लगा एंड प्रैक्टिकल लगा, देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक विच इज द थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो को हेल्प भी करेगा और चैनल को भी हेल्प करेगा। सो गाइज दैट वॉज माई रिव्यू ऑन द 2022 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा डेल्टा वेरियंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक विच इज द थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि अगर आप कोई SUV ढूंढ रहे हो एंड यू वॉन्ट द कम्फर्ट एंड बेनिफिट ऑफ मारुति सुजुकी, देन यू कैन डेफिनेटली चेकआउट दिस कार। मतलब ये वेरियंट अगर आप नहीं भी लो देन यू कैन गो आउट फॉर अदर वेरियंट्स, बट अकॉर्डिंग टू मी गाइज दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल वेरियंट इन माई ओपिनियन। आपको जो जो चाहिए इस वेरियंट में आपको मिल जाता है, इससे मतलब आप अगर ये वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा कि वेदर जो जो आपको चाहिए आपको मिल जा रहा है कि नहीं, देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस वेरियंट। अलॉय व्हील्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, यू कैन फिट इट आफ्टर मार्केट, गाड़ी का और भी लुक अच्छा हो जाएगा, बट दैट इज टोटली योर चॉइस। सो गाइज इफ यू वॉन्ट टू परचेज दिस कार यू कैन डेफिनेटली कम टू मारुति सुजुकी नेक्सा विच इज लोकेटेड बिसाइड द एटमोस्फेयर बिल्डिंग ओवर हियर, एंड यू कैन यूज दिस कोड विच इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन एंड रिफर इट टू द पीपल एट द शोरूम एंड दे विल गिव यू द बेस्ट ऑफ बेनिफिट्स ऑन एनी ऑफ योर फेवरेट मारुति सुजुकी नेक्सा कार। सो दैट इज मी साइनिंग ऑफ गाइज, आई विल श्योरली सी यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन चाओ।